मैं डॉक्टर करमवीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर डियर स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन कक्षा में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि भारतीय संविधान व्यावहारिक है इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है भारतीय संविधान की अपनी एक विशिष्ट विशेषताएं है होती हैं या हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती हैं यद्यपि इसमें संपूर्ण विश्व के महत्वपूर्ण संविधान के श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है लेकिन यह उधार का थैला नहीं कहा जा सकता इसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन के साथ ही अन्य संविधानों के लक्षणों का समावेश किया गया है संविधान के लक्षणों की चर्चा करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान की कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न हैं जैसे नंबर एक वृत्ताकार संविधान भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है संविधान के मूल रूप में तीन सौ पचानवे अनुच्छेद व आठ अनुसूचियां थी वर्तमान में कई संविधान संशोधन के पश्चात इसमें तीन सौ अनुच्छेद व बारह अनुसूचियां हैं इस संविधान के निर्माण में दो वर्ष ग्यारह महीने व अठारह दिन का समय लगा और काफ़ी विचार विमर्श और वाद विवाद के पश्चात ही संविधान निर्मित हो सका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में सात कनाडा के संविधान में एक सौ सैंतालीस ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में एक तथा स्विट्ज़रलैंड के संविधान में एक अनुच्छेद हैं संघात्मक व्यवस्था अपनाने के कारण संघ व राज्यों के अधिकारों का व्यापक वर्णन किया गया है इस प्रकार यह केवल संघ की नहीं राज्यों की शासन व्यवस्था का भी प्रबंध करता है प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य और बयालीसवें संशोधन के पश्चात की व्यवस्था है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों व एग्लो इंडियन के लिए प्रावधान हैं तथा आपातकालीन प्रावधानों द्वारा देश की एकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है दूसरा प्रस्तावना प्रायम प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उस अनुबंध की कुंजी है जिसके द्वारा वे समाज की अनिष्टकारी क्रूतियों को समाप्त करना चाहते थे प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों व सरकार के लिए मार्गदर्शों को स्पष्ट करती है वस्तुतः यह राष्ट्र के उन आदर्शों का प्रतीक है जिन्हें प्राप्त करने की और अग्रसर होने का प्रयास प्रत्येक सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना में देशवासियों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय समता तथा विकास के उद्देश्यों को सामने रखा है स्वतंत्रता समानता राष्ट्र की एकता व्यक्ति की गरिमा तथा भाव को सबल करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक स्वरूप को रेखांकित करते हुए लोक कल्याणी लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य सामने रखा है मूल प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को बयालीसवें संविधान संशोधन यानी उन्नीस क्षेत्र के द्वारा जोड़ा गया है उन्नीस क्षेत्र में जोड़ा गया है तीसरा सार्वभौम शक्ति जनता में निहित संविधान कि प्रस्तावना से स्पष्ट है कि देश की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है संविधान जनता द्वारा निर्मित जनता को समर्पित किया गया है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म आत्मार्पित करते हैं इस प्रकार की भाषा के प्रयोग का उद्देश्य यह था कि संपूर्ण भारतीयों को यह एहसास हो गया कि देश उनका है जहां वे सम्मान व साधिकार रह सकते हैं यह देश के संविधान निर्माण में प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की भागीदारी का प्रतीक भी है नेक्स्ट निर्मित व लिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान अलिखित है अमेरिका का संविधान लिखित है पर छोटा है जबकि भारतीय संविधान विस्तारपूर्वक लिखा गया है प्रलेख है भारतीय परिस्थितियों की विशिष्टता तथा जटिलता के कारण प्रावधानों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशेषकर केंद्र राज्य के संबंध में शंका की गुंजाई संविधान निर्माता नहीं छोड़ना चाहते थे देश के एकीकरण के समय विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न समस्याएं थीं जिसमें कुछ अभी भी वर्तमान हैं उसके बारे में अलग से प्रावधान किए गए हैं जैसे जम्मू कश्मीर नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आदि वर्तमान में जैसा कि आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में तो तीन जो धारा थी वो खत्म हो गई है पैंतीस ए बी खत्म कर दी गई है प्रभु नेक्स्ट प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस अर्थ में यह प्रभु सत्ता संपन्न देश है देश की संप्रभुता जनता में निहित है शासन जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है यानी लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है देश के सड़सठ वर्षों के स्वतंत्र उपरांत इतिहास में जनता ने सिद्धांत को कार्य रूप में परिणित करके भी दिखाया गया है जब कभी भी जनता को यह अनुभव हुआ कि शासन द्वारा सत्ता का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा तो जनता ने उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका उन्नीस तथा बाद के कई निर्वाचनों से यह स्पष्ट भी होता है इस प्रकार जनता सरकार को सत्ता प्रदान करती है तथा आवश्यकता अनुभव करने पर वापिस भी ले लेती है भारत गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है तथा वह वंशा वंशानुगत नहीं होता है देश के सर्वोच्च पद के लिए सम्पूर्ण जनता के लिए संभावनाएं बनी हुई हैं नेक्स्ट संसदीय शासन व्यवस्था भारत में शासन संचालन के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है संसदीय व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका शक्ति यथार्थ रूप में मंत्रिमंडल में निहित होती हैं तथा मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के, के प्रति उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति को जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है संविधानिक अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है भारत में संसदीय या अध्यक्षात्मक व्यवस्था में से किसे अपनाया जाए यह संविधान सभा में पर्याप्त विवाद का विषय रहा राजनीतिक स्थायित्व तथा राष्ट्रीय एकता को दृष्टि में रखते हुए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया जाता रहा पर अंततः बहुमत संसदीय व्यवस्था के प्रति ही अभिव्यक्त हुआ कारण स्पष्ट थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय नेताओं व जनता को इस शासन प्रणाली का अनुभव था संविधान निर्माता एक शक्तिशाली पर उत्तरदायी कार्यपालिका की स्थापना करना चाहते थे अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती हैं जिसमें संघर्ष की गुंजाइश रहती है हमारे इस नवीन लोकतंत्र में इस तरह का जोखिम नहीं उठाया जा सकता राज्यों के लिए भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है राज्यों में राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख का स्थान दिया गया है नेक्स्ट संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र व राज्य के लिए अलग संविधानों की कोई व्यवस्था नहीं है पर भारतीय संविधान केंद्र तथा उसकी इकाइयां यानी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है सिर्फ अनुच्छेद 370 के अंदर जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थितियों के कारण अलग संविधान है वो भी अब 370 एक प्रकार तीन अनुच्छेद खत्म कर दिया गया है राज्यों का शासन संचालन केंद्रीय शासन की भांति ही किया जाता है केंद्र में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की भांति राज्य में राज्यपाल व मुख्यमंत्री होता है मंत्रिमंडल में विभागों के वितरण की व्यवस्था भी एक जैसी है व्यवस्थापिका की दृष्टि से देखें तो भारतीय संसद की भांति राज्य विधानमंडलों की व्यवस्था की गई है कई राज्यों में केंद्र के अनुरूप द्वितीय विधानमंडल हैं न्यायिक व्यवस्था है प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि भी केंद्र तथा राज्य में अनुरूपता है भारतीय व्यवस्था इस दृष्टि से विशिष्ट है क्योंकि अन्य संघीय व्यवस्था यथा जैसे अमेरिका में राज्यों को अपना संविधान बनाने की छूट है नेक्स्ट मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी स्वतंत्र सभ्य व सुसंस्कृत देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के उपयोग का हक होता है मानव होने के नाते भी वे इस अधिकारों के हकदार हैं क्योंकि मानोचित जीवन तथा व्यक्तित्व के पर्याप्त विकास के लिए कुछ अधिकारों को होना आवश्यक होता है भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के मूल रूप में भारतीय नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे पर चौवालीस संविधान संशोधन के पश्चात अब इनकी संख्या छः रह गई है जैसे आपको मैं बताऊं स्वतंत्रता समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल था पर अभी है एक प्रकार से कानूनी अधिकार ही रह गया है ये अधिकार वाद योग्य है इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिकों को अदालत में अधिकारों के रक्षण की मांग करने का अधिकार है मौलिक अधिकारों द्वारा विधानमंडल व कार्यपालिका दोनों की शक्ति को परिसीमन परिसीमित किया गया है बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के चतुर्थ अध्याय में खंड कै जोड़कर दस मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है जैसे आपको मैं बताऊं संविधान का पालन भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा देश के लोगों में भातृत्व की भावना का विकास समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का रक्षण इत्यादि वस्तुतः ये कर्तव्य नागरिकों को स्वेत ही पालन करने चाहिए जहाँ तक मूल अधिकारों का प्रश्न है वे कुछ स्थितियों यथा राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता या कल्याण के हित में सीमित भी किए जा सकते हैं नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है सामाजिक आर्थिक विकास न्याय व समता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निदेशक तत्व प्रत्येक सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं यद्यपि इन निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए किसी सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता अर्थात वे वाद्योग नहीं हैं पर ये सरकारों के लिए सकारात्मक निर्देश हैं जिसकी उपेक्षा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है वस्तुतः ये सरकार के सामने वे ऊंचे आदर्श हैं जिनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सरकार को प्रयासरत होना चाहिए उसी प्रकार जिस प्रकार समाजवादी राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य पंथ निरपेक्ष संदर्भ में आपको बताऊं कि संविधान के बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया है और इसका अर्थ है भारत किसी पंथ को राज्य धर्म बनाने का इच्छुक नहीं है नहीं वह किसी पंथ विशेष को संरक्षण देना चाहता है यानी कि सर्वधर्म सम्भाव के भारतीय दर्शन के अनुसार सभी पंथावलंबियों को अपनी अपनी भावना के अनुसार पूजा अर्चना इबादत करने की स्वतंत्रता है राज्य किसी पंथ का प्रचार प्रसार नहीं करता है न ही किसी भी राज्य के शिक्षण संस्थान में किसी पंथ विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पंथ विशेष का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी पद पर निर्वाचित होने या सरकारी पद प्राप्त करने में पंथ विशेष में आस्था बाधक नहीं बन सकती है या नहीं हो सकती है वस्तुतः भारत ने स्वतंत्र से पूर्व पंथ की राजनीति के कुपरिणाम भुगते थे देश में एक अविश्वास व का वातावरण बन गया था अंततः देश को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा था ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति न हो सहयोग तथा सद्भाव का वातावरण बने इसलिए इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है नेक्स्ट विशिष्ट संघीय व्यवस्था भी अपने यहाँ बनी हुई है नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कठोरता व लचीलेपन का समन्वय भी यहाँ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहाँ है न्यायपालिका के स्वतंत्रता के संदर्भ में आपको बताऊं कि प्रजातंत्र के लक्षण जनता के मूल अधिकारों के यथार्थ रूप में क्रियान्वयन तथा संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन तथा वेतन संबंधी संरक्षण भी प्राप्त है कार्यपालिका आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को उन्हें न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध आदि लेखों का आ, को जारी किया जा सकता है इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक पुनराव्लेखन के सिद्धांतों का समन्वय अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना एक राजभाषा आपातकालीन उपबंध राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व भातृत्व का लक्ष्य और समरस समाज की स्थापनाओं का सपन ये सभी एक प्रकार से भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं कही जा सकती हैं धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स